सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कल रहने वाला लेक्चर नंबर 11। और स्टार्ट करते हैं फिर किसी कोई ख्वाहिश कोई तमन्ना। बिल्कुल नवांश, गुरु विपिन सिंह, मणिपुरी, हंजाबा, बिल्कुल बहुत अच्छे। इस तरह से होना चाहिए वेट, ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक आपका इस तरह से डिस्कशन चलना चाहिए, ठीक है। जो हम लोगों ने कल चीज़ें करी हैं, एक्चुअल में तुम लोग समझ नहीं पाते हो। ये जो 5 से 10 मिनट में लेट आता हूँ डेली, बस इसीलिए आता हूँ ताकि आप लोग कल के लेक्चर का पूरा कमेंट में डिस्कशन कर सको। एक ने कोई कुछ लिखा, एक ने कुछ लिखा, किसी ने किसी को कुछ क्वेश्चन याद आ रहा, किसी को इतने सारे फैक्ट्स होते हैं कि 5 10 मिनट में तो कवर ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन जितने आप कवर कर सकते हो, अगर सब लोग लगोगे, तकरीबन मैं देखता हूँ 200 300 लोग वेट करते रहते हैं, तो 200 300 में से 200 300 तो खैर नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ को बिल्ला बकैती भी करनी है। लेकिन अगर वही है कि 100 150 लोग भी इनिशिएटिव लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज़ हो जाएंगी। गुड इवनिंग सभी को। तरुण, तुषार, पनाडा, हरीश, रॉयल, हाँ ठीक है। तो हाँ, तो कल से फिर, नहीं, बहाना नहीं, रियलिटी है। तो कल से फिर आपका इसी तरह से डिस्कशन होना चाहिए। तो चले स्टार्ट करते हैं। हाँ, वरना 6:55 में आ जाते सर। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, वरना मैं 6:55 पे आ जाता। बस इसीलिए मैं 5 से 10 मिनट लेट आता हूँ ताकि तुम लोग डिस्कशन कर सको। अब पता चल गया ना, तो अब कल से डिस्कशन किया करो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इट कंसिस्टेड ऑफ पार्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में। तो जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो इसमें कौन कौन से आपके प्रोविंसेस आते थे, ठीक है। तो अगर बंगाल की बात करें तो बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा से मतलब है जो प्रेजेंट डे आप वेस्ट बंगाल देखते हो, जो प्रेजेंट डे आप बांग्लादेश देखते हो, यानी कि एक तरह से आप बोलूँ तो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। बंगाल तो था ही, बिहार, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ जो प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ है, ये सब भी पूरा बंगाल में आते थे। बंगाल बहुत बड़ा था, इसकी पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा थी। तो ब्रिटिशर्स ने ये रीज़न दिया। क्या रीज़न दिया उन्होंने ब्रिटिशर्स ने, ये रीज़न देते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, ठीक है। जैसे कि मुझे याद है ये जब अग्निवीर नहीं आया था, ठीक है, तो मतलब एक साल से स्टूडेंट वेट कर रहे थे अपने रिजल्ट वगैरह की, रिज़ल्ट आएगा आएगा आएगा, बट एयरफोर्स वेबसाइट में हर 1 2 महीने में वो डाल देते थे एक अपडेट, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस योर रिजल्ट इज़ इन डिले, और जल्दी आपको अपडेट किया जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न बोल बोल के एक साल ख़राब कर दिया और फिर अग्निवीर दे दिया। उसी तरह से यहाँ पे रीज़न दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, बट एक्चुअल जो रीज़न था वो ये था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव भी था एक कहीं ना कहीं पॉइंट, बिकॉज बहुत बड़ा था और पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो इसको एडमिनिस्टर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बट एक रीज़न, मेन जो रीज़न था वो दैट वॉज कि जो बंगाल था दैट वॉज नर्व सेंटर ऑफ दिस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। तो इसको हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे डिवाइड करना चाहते थे। यहाँ ज़्यादातर ईस्ट बंगाल में रहते थे आपके मुस्लिम्स, मुस्लिम कम्युनिटी जो अभी प्रेजेंट आप बांग्लादेश बोल सकते हैं, और यहाँ पर रहते थे ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी। ये मोस्टली आपके ये बांग्ला स्पीकिंग थे और ये मोस्टली आपके उर्दू ज़्यादातर स्पीकिंग थे। तो इसी वजह से हुआ क्या कि यहाँ पे डिवाइड करने के इन लोगों ने सोचा। अब ये जो अनाउंसमेंट है ये होती है 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को, और ये एक्चुअल में जब बंगाल का पार्टीशन होता है वो होता है 16 अक्टूबर ऑफ 1905। करता कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? कर्जन, जो उस समय वॉइस रॉय था, ठीक है। रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसको काफ़ी एंटी पार्टीशन कैंपेन चले, बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ, पूरे सभी लोगों ने विरोध किया कि ये पार्टीशन नहीं होना चाहिए। मुस्लिम्स या फिर एक सेक्शन ऑफ मुस्लिम था जो कि अपोज़ नहीं कर रहा था इस बंगाल पार्टीशन का, सपोर्ट कर रहा था, और उस पर्टिकुलर सेक्शन ने 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया, ठीक है। तो ये जो बला है मुस्लिम लीग नामक, ये यहाँ से चालू होती है 1906 में, बंगाल पार्टीशन के जस्ट बाद, मतलब अगले ही साल मुस्लिम लीग बनती है, और इसको बनाते हैं नवाब सलीम उल्ला, ठीक है, नवाब सलीम उल्ला और आगा खां, ठीक है। यही आगे बाद जो है बाद में इंडिया के पार्टीशन की जड़ बनती है मुस्लिम लीग, ठीक है। तो 1906 में बनती है, कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश की कैपिटल है। 1906 में ही आपका एक सेशन होता है कैलकटा, ठीक है, कैलकटा सेशन होता है कांग्रेस का, कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस।
इसको प्रिसाइड करते हैं, जरा बताइए कौन प्रिसाइड करते हैं? वही प्रिसाइड करते हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था 1866 में, वही प्रिसाइड करते हैं जिन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखी जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की बात करी, जिन्होंने आपकी अनऑफिशियल एक तरह से एक पॉवर्टी लाइन स्टैब्लिश करी, और जो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, ही इज नन अदर दैन दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी, चलिए, और इन्होंने प्रिसाइड किया, और यहाँ पे 3 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए, फिर पास किए गए, और 3 रेजोल्यूशन वो किससे रिलेटेड थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC से लेके UPSC हर एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। एंड दोज 3 रेजोल्यूशन वर रिगार्डिंग, एक तो था आपका स्वराज, ठीक है, सॉरी स्वराज बोल रहा हूँ, स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी, द अदर वॉज रिगार्डिंग बॉयकॉट, कि बॉयकॉट करना फॉरेन प्रोडक्ट्स का, और द थर्ड वन वॉज रिगार्डिंग नेशनल एजुकेशन, क्लियर, और कुछ नहीं, और कुछ है, और कुछ ये है, 1911 में इस पार्टीशन को एन्यूल कर दिया गया था, पार्टीशन वॉज एन्यूल्ड, एन्यूल्ड का मतलब है इसको ख़त्म कर दिया गया था, किसने अनाउंस किया था इस एन्यूलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल को, किंग जॉर्ज 5, इनका कोरोनेशन होना था, इनका दिल्ली दरबार लगवाया गया था, इनका कोरोनेशन होना था, जिसको कि एक तरह से होस्ट कर रहे थे एकदम चमचागिरी करके हार्डिंग, लॉर्ड तो नहीं, हार्डिंग सेकंड, ठीक है, हार्डिंग सेकंड ने इसको होस्ट किया था, और ये अनाउंस किया गया था कि अब कैलकटा कैपिटल नहीं रहेगी, अब कैपिटल होगी दिल्ली, ठीक है, ये अनाउंस किया गया था 12 दिसंबर 1911 को, और उसी के बाद हमारी दिल्ली कैपिटल बनी इंडिया की 1912 में। क्यों बनाया गया? बिकॉज दिल्ली वॉज दी एक तरह से बोल सकते हैं मुस्लिम के ग्लोरी से संबंधित है, बिकॉज जो मुगल सल्तनत था पहले वो वहीं बैठते थे, इसलिए ये किया गया ताकि मुस्लिम्स को अपीस किया जा सके, बिकॉज मुस्लिम्स नाराज़ हो गए थे इस पार्टीशन को जब एन्यूल किया गया था, उनको लगा था कुछ हमें मिलेगा, लेकिन कुछ मिला नहीं, पार्टीशन को एन्यूल कर दिया गया और दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, इसी वजह से हम फिर देखते हैं कि किस तरह से मुस्लिम लीग कांग्रेस से हाथ मिला लेता है 1916 में, और लखनऊ पैक्ट के थ्रू ज्वाइंट डिमांड रखता है वो। आंसर ऑप्शन नंबर 3, बिहार एंड ओडिशा, और यहाँ पे जब एंटी पार्टीशन कैंपेन के दौरान पे राखी टाई करी गई थी, ठीक है, राखी एक दूसरे के लोगों ने हाथ में बांधी थी, और बंगाल, सॉरी, जो आपका बांग्लादेश है उसका जो नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, उसका जन्म भी यहीं होता है ये एंटी पार्टीशन कैंपेन के दौरान ही, अमार सोनार बांग्ला, दैट इज़ आर गोल्डन बंगाल, ये बंगाल के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमारे लिखा था, जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, ठीक है, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज़। अमार सोनार बांग्ला के अलावा इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इंडिया का भी नेशनल एंथम लिखा, दैट वॉज जन गण मन, जो हमारा देश का नेशनल एंथम है, और जो हमारे देश का नेशनल सॉन्ग है दैट इज़ वंदे मातरम, इसको हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इन दोनों को अडॉप्ट किया गया था, नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को, जब हमारी लास्ट सिटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और आपको ये पता होना चाहिए कि मई 1949 में कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया गया था, ठीक है, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफिकेशन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ ब्राज़ील आर नोन एज, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को हम किस रूप में जानते हैं, पंपास, सवाना, लानोस या फिर कैंपोस, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ ब्राज़ील, तो हम लोगों ने पढ़ा था ग्रासलैंड यानी कि जो घास के मैदान होते हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज देखने को नहीं मिलते और ना ही डेजर्ट है, यहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है टू सर्वाइव द ग्रासलैंड। और ग्रासलैंड्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं ट्रॉपिकल, जो हमें ट्रॉपिक्स में देखने को मिलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, दूसरे को हम बोलते हैं टेम्परेट, यानी इसको हम बोल सकते हैं उष्णकटिबंध, और ये इसको बोल सकते हैं शीतोष्ण, जो घास के मैदान होते हैं। ट्रॉपिकल में हमने 3 देखे थे, एक तो कंपोज देखा था, एक लानोज देखा था, और दूसरा तीसरा थानोज देखा था, ठीक है, तो सवाना, तो कंपोज कैसे याद किया था, योर फेवरेट वर्ड BC, तो बी से ब्राज़ील और सी से कंपोज, लानोस ऐसे याद रखो, थानोस हमारा वेनेजुएला का था, ठीक है, और सवाना आप जानते हैं ये हैं आपके अफ्रीका के ग्रासलैंड्स। सवाना को और हम किस नाम से जानते हैं, ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट हमारे इंडिया के यहाँ पे पेनिनसुला प्लेटू में देखने को मिलता है, ठीक। टेम्परेट में हमारे बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि हमारा पंपास आ जाता है, हमारा प्रेरी आ जाता है, स्टेपी आ जाता है, ठीक है, स्टेपी आ जाता है,
डाउन्स आ जाते हैं, ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ यहाँ पे। पम्पास की अगर बात करें कहाँ का है, अर्जेंटीना का है। यहाँ पे आपको एक न्यूट्रिशियस ग्रास देखने को मिलता है, इसका नाम बताइए। प्रेरीज की अगर बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। स्टेपी की अगर बात करें एशिया में, खासकर जो आपका रशिया वाला रीजन है वहाँ पे। डाउन्स अगर हम बात करें तो दीज आर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कुछ और हैं जैसे कि पुस्ताज है आपका हंगरी का ही है। कहाँ का? हंगरी का। सवाना को हम जानते हैं बिग गेम कंट्रीज, बिकॉज यहाँ पे पोचिंग बहुत होती है। पोचिंग मतलब सलमान खान, ठीक है, ध्यान से उड़ा देना किसको, जानवरों को। और यहाँ पे आपको मिलती है न्यूट्रिशियस अल्फा अल्फा ग्रास। आंसर होगा क्या? कंपोस्ट। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वर दी प्राइमरी गोल्स फॉर दी 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया? अब मुझे इससे याद आ रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ज़रा बताइए कि ब्राज़ील में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है? शादियों के टाइम पे क्या होता है? हिंट है आपके लिए। व्हाट वर दी प्राइमरी गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया? भारत में पंचवर्षीय योजना के प्राथमिक लक्ष्य क्या थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं बड़े लंबे लंबे से। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, पॉवर्टी रिडक्शन, अर्बनाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी एंड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, सोशल वेलफेयर, सेल्फ सफिशिएंसी, इक्विटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। सर एक दिन मैं अगर ऑफ होता तो रिविजन में अच्छा होता। अच्छा, आप ऑफ ले सकते हो, ठीक है। अगर किसी को लगता है, मैं ये वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब टॉन्ट के उससे सेंस से मत समझना। अगर किसी को भी लगता है कि भाई बहुत हो रहा, थक गया, टूटन मच रही शरीर में, बहुत ज़्यादा जी के घुस गया है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो फिर एक दिन का ब्रेक ले लिया करो, डाइजेस्ट कर लिया करो, फिर आया करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भागना ही भागना है, ठीक है। वायरस ने बोला तो वायरस नहीं, किसने, सहस्र बुद्धि, कौन था वो जिसने बोला था लाइफ इज़ अ रेस, ना ही भागोगे तो पीछे वाले कुचल के निकल जाएंगे। रेस है, मैं उससे डिनाई नहीं करूंगा, वो बंदा सही बोल रहा था, लेकिन इतना भी ज़्यादा मत फंसो उस रेस में कि मतलब बिल्कुल ही भूल जाओ खुद को, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कभी अगर ब्रेक लगता है आपको तो ले सकते हो। फिर अगर जब ब्रेक ले लोगे तो फर्दर आप हो सकता है किसी दिन 2 लेक्चर कर लो, तो उसको लेके टेंशन आप ज़्यादा लिया करो, ठीक है। ब्राज़ील में, ब्राज़ील का है रोका, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 5 ईयर प्लान में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, जल्दी से थोड़ा सा रिविजन करते हैं। ये 5 ईयर प्लान हमने यूएसएसआर से लिए थे, इनको स्टार्ट किया था 1951 में। इनको हमारा प्लानिंग कमीशन, जो कि अभी नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर दिया, वो इसको इंप्लीमेंट वगैरह करता था 5 ईयर प्लान को। तो 1951 से लेकर 56 तक हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था, हरा डोमर मॉडल पर बेस्ड था। डैम्स वगैरह सेटअप हुए थे, जैसे भाखड़ा नंगल डैम इन सतलज, जो कि लार्जेस्ट डैम है। हीराकुड डैम आपका सेटअप हुआ था महानदी में, ये डैम सेटअप हुए थे। फिर अगर हम बात करें, और यहाँ से मुझे याद आता है PL 480, PL 480 इस बार क्वेश्चन आया था आपका, आई थिंक 22 जुलाई शिफ्ट 2 में, कि PL 480 क्या है। तो ये सॉरी इस तरह से पूछा था, कौन सी वैरायटी ऑफ वीट हम यूएसए से इम्पोर्ट करते थे, तो दैट वॉज PL 480, ठीक है। फिर हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस। 29 जून इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी उन्होंने सेटअप किया था। सेकंड 5 ईयर प्लान का जो मेन गोल था, दैट वॉज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका गोल था, ठीक है। जिसके तहत मैंने राउरकेला स्टील प्लांट इन ओडिशा, दुर्गापुर में, दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल सेटअप किया, और भिलाई इन छत्तीसगढ़। भिलाई, दुर्गापुर अगर बात करें यूके की हेल्प से, राउरकेला आपका जर्मनी की हेल्प से, और भिलाई आपका रशिया की हेल्प से। ये हम लोगों ने किया सेकंड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान उन्होंने क्या किया, थर्ड 5 ईयर प्लान मेजर एक तरह से फेलियर था, बट उसमें दो चीज़ मेन चीज़ हुई। एक तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप हुआ 1965 में, और 1965 में आपका CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये जो कमीशन होता है, ये MSP अनाउंस करता है। MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य जो होता है आपका, कि अगर जैसे फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया कोई चीज़ और अगर उनको मार्केट में वो दाम नहीं मिला, तो इतने दाम में सरकार यानी गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी उनके जो भी उन्होंने वीट या जो वीट या राइस जो भी वो बनाए, ठीक है। और ऐसा नहीं सिर्फ वीट राइस के लिए MSP और बहुत सारे क्रॉप्स के लिए अनाउंस होता है, ठीक है। तो CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो MSP अनाउंस करता है, और FCI 1965 में सेटअप हुआ था। एक चीज़ बस यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, सुगर केन के लिए कभी MSP अनाउंस नहीं होता है, सुगर केन के लिए अलग से होता है, एंड दैट इज FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। खैर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4th, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी एंड इक्विटी, ठीक है। अर्बनाइजेशन ये कभी गोल नहीं था, अर्बनाइजेशन से आप एलिमिनेट कर सकते थे कि अर्बनाइजेशन कभी गोल नहीं रहा, क्लियर है। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 4th, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। थोड़े से कभी कभी डिस्प्यूटेबल टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, किसी को सकता है यहाँ पे थर्ड भी लग रहा हो, बट यहाँ पे जो SSC ने माना है, दैट इज 4th ऑप्शन। अब यहाँ पे ये चीज़ याद आना चाहिए कि थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद हमारे स्टार्ट हुए थे प्लान हॉलीडेज, जो 1966 से लेके 1969 तक चले थे, राइट। फोर्थ 5 ईयर प्लान फिर आया, जहाँ पे हमारा एक गोल आप बोल सकते हैं थोड़ा सा
मॉडर्नाइजेशन टाइप ही था, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का हमने नारा दिया था, गरीबी हटाओ मेरा हम लोग का मेन प्लान था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके ये स्क्रीन के सामने, लिविंग रूट ब्रिज इन इज एन आइकॉनिक स्ट्रक्चर फाउंड इन विच स्टेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि लिविंग रूट ब्रिज है कि ये आइकॉनिक स्ट्रक्चर आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो लिविंग रूट ब्रिज ये आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो रूट्स होती है ना बड़े बड़े पेड़ों की रूट्स, यही ब्रिज बन जाते हैं। आप देख पा रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, ये आपका ब्रिज बन गया रूट से ही, दैट और कॉल्ड एज लिविंग रूट्स ब्रिज। ये आपको देखने को मिलते हैं मेघालय में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब मेघालय से मुझे याद आ रहे हैं, मेघालय से याद आ रहे हैं मुझे गारो खासी जयंतिया, और गारो खासी जयंतिया ये, हाँ ये जो तीनों ट्राइब के नाम है, ठीक है, वो ट्राइब के नाम हिल के नाम पड़े हैं, ठीक है, जो वहाँ पे हिल है उसी से नाम ट्राइब के नाम पड़े हैं गारो खासी जयंतिया, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब चलो कल की जो ट्रिक है मेघालय में ही कर लेते हैं। आपको पता है हम लोग वाइटी शॉर्ट्स कर रहे हैं, और वाइटी शॉर्ट्स में हम क्या कर रहे हैं, वाइटी शॉर्ट्स में हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं या फिर इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की चीज़ें देख रहे हैं, फेस्टिवल हो गए, सॉन्ग्स हो गए विद ट्रिक, ठीक है। तो हम लोग अरुणाचल कर चुके हैं, आज किया था, कल असम किया था, और पहले नॉर्थ ईस्ट को पूरा चलो ख़त्म ही कर लेते हैं, तो कल मेघालय का रहेगा, ठीक है। तो 8 AM पे आपका वो वीडियो अपलोड होता है, तो गारो खासी जयंतिया जानने के लिए देखते रहें वाइटी शॉर्ट्स। तो चलिए मैं बता देता हूँ बाकी ट्रिक से, आप कल देखिएगा। तो गारो हम लोगों ने पढ़ा था वंगाला, ठीक है, वंगाला फेस्टिवल जिसको फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स बोलते हैं। खासी आपका कौन सा करती है, खांसी, खांसी आपको कब होती है ये आपको कल पता चलेगा, काफ़ी लोगों को पता होगा। जयंती है आपकी बहदिन खलाम, ठीक है, बहदिन खलाम ये एक और सेलिब्रेट करती है जयंतिया ट्राइब, और उसका नाम है आपका शुक्र, ठीक है, शाद शुक्र उसका करके नाम है। खैर वो सारा कल चीज़ें आपको बता दूंगा ट्रिक के साथ। मेघालय आप याद रखिएगा, गारो खासी जयंती आपकी वो तीनों हिल्स हैं, और ये जो तीनों हिल्स हैं वो किसका पार्ट है, मेघालयन प्लेट्यू का, जिसको हम कर्बी अंगलोंग प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं, राइट, कर्बी अंगलोंग प्लेट्यू। उसी के आगे अगर आगे असम में बढ़ जाएंगे तो मिकिर और रेगमा देखने को मिल जाएंगे हमें। तो लिविंग रूट्स ब्रिज मेघालय, बट लिविंग रूट हमें एक तरह के फॉरेस्ट में भी देखने को मिलते हैं, और वो फॉरेस्ट को कहलाते हैं मैनग्रूव फॉरेस्ट। मैनग्रूव फॉरेस्ट हमें दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं, जहाँ पे आपका एक तरह से हम बोल सकते हैं जहाँ पे कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे मैनग्रूव्स देखने को मिलते हैं लिविंग रूट्स, और लिविंग रूट्स को हम बोलते हैं न्यूमैटो फोर्स, ठीक है, न्यूमैटो फोर्स। और ये विवीपैरस भी होते हैं, विवीपैरस मतलब इनकी जो सीड होती है वो जर्मिनेट कर जाती है जब वो अटैच होती है प्लांट में, तभी वो गिरती नहीं, वो वहीं पे अटैच हुए हुए ही जर्मिनेट कर जाती है, दैट आर कॉल्ड एज विवीपैरस। न्यूमैटोफोर्स होते हैं लिविंग रूट्स को, जो मैनग्रोव फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ, डैश वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे बताइए, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ या फिर जॉन शोर। 1773 में एक एक्ट आता है, और पॉलिटी हम लोगों का सिर्फ कल का बाकी है, लोकल बॉडीज़ करेंगे, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़, और उसके बाद जो परसों वाला लेक्चर होगा उसमें एक्ट ही मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो कल कौन सा दिन है, कल आई थिंक थर्सडे है, थर्सडे को हो जाएगा फ्राइडे को, तो इस हफ्ते मतलब आपका पूरा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से, कुछ नहीं बचने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पर मैं एक्ट कराऊंगा, जैसे 1773 का पहला एक्ट था जिसको हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना स्टार्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसने सबसे पहले 1773 में क्या हुआ था, एक तो सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा इस्टेब्लिश किया था, और भी बहुत सारे प्रोविजंस थे वो हम उसी क्लास में देख लेंगे, बट ये आपको मेन चीज़ याद होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा, और इसने किया था गवर्नर ऑफ बंगाल को, गवर्नर ऑफ बंगाल को इसको जो नॉमेनक्लेचर है चेंज करके किया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो हुआ क्या था, उस समय वॉरेन हेस्टिंग था गवर्नर ऑफ बंगाल, तो वो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। वॉरेन हेस्टिंग से हमें याद आता है कि इसने जो डुअल गवर्नमेंट है एक तरह से इन बंगाल उसको ख़त्म किया था, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, इसको लाया कौन था, ठीक है, इसको लाया था क्लाइव, ठीक है, क्लाइव ने स्टार्ट किया था, निज़ामत और दीवानी फंक्शंस को अलग अलग किया था, जो हमारा अलाहाबाद का ट्रीटी हुआ था बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में, वो लाया था क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसको ख़त्म किया, क्लियर है। और विलियम बेंटिक की बात करें तो विलियम बेंटिक हुआ क्या था, 1833 का जो एक्ट था उसके थ्रू क्या हुआ था, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विलियम बेंटिक था, तो वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, तो मैं बोल सकता हूँ ही वॉज दी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
बेंटिक से और क्या याद आ रहा है? कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा था वुड्स डिस्पैच और हमने पढ़ा था मैकुलेज मिनट। तो जो मैकुलेज मिनट है 1833 का, मैकुलेज मिनट, ठीक है, ये आया था 1833 में। और ये क्या, इसने क्या किया था, एक तरह से इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश एजुकेशन को, इसीलिए विलियम बेंटिक को हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। फिर हमने देखा था 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, जिसने कि नेगेट किया था मैकुले मिनट ने जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी उसको, और उसने बोला था कि भाई नीचे लेवल पे हमें वर्नाकुलर्स को प्रमोट करना चाहिए, और इसीलिए उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोलते हैं, जो डलहौजी के टाइम पे आया था, ठीक। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो हमारे सी राजगोपालाचारी थे। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो बेंटिक था, आखिरी ब्रिटिश इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, मतलब आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था माउंट बैटन, वो चला गया। उसके बाद हमने सी राजगोपालाचारी को नियुक्त किया, तो सी राजगोपालाचारी हमारे पहले इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी वही बने, क्योंकि उसके बाद इस पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया गया। मेटकाफ को हम जानते हैं लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। रिपन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि रिपन ने काफ़ी अच्छे काम किए इंडिया के लिए, वैसे मेटकाफ भी था, इसके भी थोड़े लिबरल टाइप व्यूज थे, इसने भी काफ़ी अच्छे काम किए, इसी वजह से इसके एक कैलकटा में जो लोग रहते हैं, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, मेटकाफ हॉल करके है वहाँ पे एक, है ना, ठीक है। और कुछ और कुछ नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द गरबा डांस इज़ परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? गरबा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? हरियाणा, केरला, गुजरात या फिर पंजाब? इजी क्वेश्चन है। गरबा हो गया हमारा, डांडिया रास हो गया। अच्छा, रास से क्या याद आता है हम लोगों को? रास से याद आता है रासलीला, और रासलीला कहाँ के डांस को हम बोलते हैं, जल्दी से कमेंट में बताइए, और उसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या याद आ रहा है। तो डांडिया रास है आपका एक, और आपका हो सकता है और कौन कौन से, एक भवाई भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में, डांडिया हो गया, गरबा हो गया, भवाई हो गया, एक टिप्पणी करके होता है, ठीक है, इसको भी हम ट्रिक से ही देख लेंगे कभी, ठीक है, क्योंकि वो मुझे बनानी पड़ती है, एकदम से तो बन नहीं जाएगी ना, ठीक है, तो फिर देख लेंगे। तो गरबा डांस की अगर बात करें, गुजरात ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही आंसर होगा। और रासलीला से मुझे याद आ रहा है किसके बारे में? मणिपुरी डांस के बारे में, और मणिपुरी रासलीला इसको बोलते हैं। ये एक इंट्रोवर्ट डांस टाइप है, ठीक है, यानी कि नज़र से नज़र बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है इसमें। तो मणिपुरी में आपको याद आना, मतलब ये याद आना चाहिए, इसके फॉर्म्स हैं जागोई, चोलोम, ठीक है, और ये सिमिलर है आपका लई हरोबा की तरह, जो कि मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। और क्या याद आना चाहिए इसके, हमने याद किए थे एक्सपोनेंट जैसे कि झावेरी सिस्टर्स, जैसे कि दर्शन झावेरी जी हो गई आपकी, और इसके जो गुरु कहे जाते हैं गुरु, बिपिन सिंह, फादर ऑफ मणिपुरी डांस, बिपिन सिंह, जिनको कौन सा टाइटल दिया था मणिपुर के राजा ने? हंजाबा, ठीक है, तो ये हंजाबा का टाइटल दिया था जो मणिपुर के थे आपके वो, ठीक है। और मैंने आपको और भी कुछ नाम बताया होंगे, अगर आपको याद आ रहा हो, एक निर्मला करके मैंने, निर्मला सीतारमन नहीं, निर्मला मेहता मैंने आपको नाम बताया होगा, देवयानी चालिया नाम बताया होगा, चारू माथुर मैंने आपको नाम बताया होंगे मणिपुरी से संबंधित, बट झावरे सिस्टर और गुरु बिपिन सिंह बेहद इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन? तो निम्नलिखित में से घर्षण का सही क्रम क्या है? तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक तरह का हम लोगों ने पढ़ा है कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट मतलब जो दोनों चीज़ों का कॉन्टैक्ट होता है, नॉन कॉन्टैक्ट में आ जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो फोर्स हो गया, ये सब आपके नॉन कॉन्टैक्ट, बिकॉज दो चीज़ों में कॉन्टैक्ट नहीं होता। जैसे चार्जेस के बीच आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो क्या कॉन्टैक्ट में थोड़ी ना चिपक चिपक के थोड़ी ना, मतलब चिपक से मतलब है कॉन्टैक्ट में थोड़ी ना, फ्रिक्शन में आपका कॉन्टैक्ट होता है। जैसे कि जब आप रोड में मूव कर पा रहे हो, यू कैन मूव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाए उस केस में आप मूव ही नहीं कर पाओगे, आप फिसल के गिर जाओगे, ठीक है। तो ये तीन टाइप का होता है, स्टैटिक, ठीक है, कोई चीज़ अभी रुकी हुई है, स्लाइडिंग, और रोलिंग। इस केस में आप देख पा रहे हैं फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, बिकॉज वहाँ से फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, और वो चीज़ मूव नहीं कर पा रही है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो मूव नहीं कर पाएगा, और एकदम भी फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो भी मूव नहीं कर पाएगा, वो फिसल जाएगा। जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या है, स्लाइड हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा फ्रिक्शन कम हो गया। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है, अब इस मान लेते हैं इसका मास और इसका मास सेम है, तीनों का मास सेम है, तो उस केस में यहाँ पे हमें सबसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, अगर हम देखें तो यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट है, बट यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बहुत छोटा सा है, और इस कॉन्टैक्ट क्योंकि छोटा है इसलिए जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, और इसकी वजह से यह रोलिंग फ्रिक्शन में, रोलिंग मोशन में या फिर रोलिंग में कम फ्रिक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड सही आंसर होगा, स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग। वो आपने देखा होगा ना कि स्मार्ट वर्क करो, एक मीम पता नहीं जो भी चलता है, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, की एक बंदा इसको ढकेल रहा होता है, एक इसको ढकेल रहा होता है, फिर मीम में लिखा होता है कि अबे
मैंने तुझसे डब्बा मंगाया था, गोला नहीं, तो इस तरह से ठीक है। तो क्यों ये इसको आसानी से वो कर पाता, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है कम हो जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ सिक्किम एज अ स्टेट। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन है जो सिक्किम को एक राज्य के रूप में बनाने से संबंधित है? 36, 51, 42 या फिर 38? सर मैं आपका जीके कोर्स लेना चाहता हूँ, कुछ समझा दोगे क्या? कवर हो जाएगा, समझाएंगे ऋषभ, अभी आखिरी मिलना, सब लोग चले जाएंगे, उसके बाद अकेले मिलना हमसे, ठीक है? चलो तो अमेंडमेंट्स की बात करते हैं यहाँ पे, कौन सा था। तो सिक्किम की थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं, अब सिक्किम की हिस्ट्री या फिर इन जनरल भी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको समझते हैं पहले, ठीक है। हुआ क्या था आपको पता, धार कमीशन 1948, फिर उसके बाद बना था हमारा JVP 1948, ठीक है। श्री रामलू जी की डेथ 1953, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश इन 1953, उसके तुरंत ही बाद उसी साल फजल अली कमीशन, तीन लोग, के एम पंडनीकर, हृदयनाथ कुंजरू, उसने बोला ठीक है लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाओ, बट वन लैंग्वेज वन नेशन की थ्योरी, वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी उसने निगेट कर दी। उसके रिकमेंडेशन में हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया 1956 में, जिसके थ्रू हमारी जोनल काउंसिल भी बनी थी। सेवन्थ अमेंडमेंट किया और हमने स्टेट को फॉर्म करना चालू किया। फिर हमारे काफ़ी सारे स्टेट बनते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जैसे, और यूटीज़ बनते हैं, जैसे कि हमने 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, उससे हमने गोवा को एक यूटी बनाया, सबसे पहले तो गोवा यूटी बनी। फिर 56th अमेंडमेंट से हमने, 56th अमेंडमेंट से जो 1987 में हुआ था, हमने गोवा को एक स्टेटहुड दिया, ठीक है, गोवा को स्टेटहुड दिया। और ना सिर्फ गोवा को स्टेटहुड दिया, बल्कि फिर इसी 1987 में ही हमने मिजोरम और अरुणाचल को भी स्टेटहुड दिया, ठीक है। मैम तुसी गाओ और मौज लो करके जो हमने ट्रिक याद करी थी, हमने 1972 में, इससे पहले हमने जैसे तीन जो स्टेट थे नॉर्थ ईस्ट के, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, इन तीनों को कलेक्टिवली हमने स्टेटहुड दिया 1972 में। ये सब काम स्टार्ट होना चालू हो गया था, ठीक है। उसी तरह ही हमारा सिक्किम, सिक्किम पहले एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जो चोग्याल वंश यानी चोग्याल डायनेस्टी के अंडर था। इन चोग्याल्स को लगा कि हमको ये जो चाइनीज़ हैं वो, खैर चाइनीज़ जो है हमें अब छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, चाइनीज़ हमें छोड़ेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं अब इंडिया से सहारा लेते हैं, और इंडिया से इन्होंने बोला कि हमें इंडिया में इंटीग्रेट कर लो, लेकिन हम डायरेक्टली पूरी तरह से मर्ज नहीं होना चाहेंगे, हम पहले एज एसोसिएट स्टेट, ठीक है, एसोसिएट स्टेट की तरह जुड़ना चाहेंगे, और ये एसोसिएट स्टेट की तरह सह राज्य का दर्जा मिला 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974, 1974 में, एंड अगेन इन दी थ्रू 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1975, 1975 से इसको कंप्लीट स्टेटहुड मिल गया। अब ये बहुत ज़्यादा पूछता है सिक्किम का, मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था, जो 11 वाला बैच चल रहा है, पता नहीं क्यों बहुत प्यार है सिक्किम से। 36th अमेंडमेंट, 51st तो नहीं, 52nd अमेंडमेंट से हमें क्या याद आना चाहिए, 52nd अमेंडमेंट से हमें याद आना चाहिए कि 10th शेड्यूल ऐड किया था रिगार्डिंग डिफेक्शन। और डिफेक्शन कब कब होता है, जब कोई इंडिपेंडेंट मेंबर पॉलिटिकल पार्टी कोई ज्वाइन कर ले, या फिर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी को कोई ज्वाइन करे, विप की डायरेक्शन को फॉलो ना करे, या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी में जाए। 42nd आप जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड इसने किया था, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तो देखते हैं। रथ यात्रा द फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन डैश। रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ के रथों का त्यौहार हर साल कब मनाया, कहाँ मनाया जाता है? क्या केजरीवाल के पास जो था सर, आर्टिकल 371F होगा, बिल्कुल दरोगा हप्पू सिंह ने यहाँ पे सही ऐड किया है, इन्होंने नाम आसमांग वाली ट्रिक को लगाया है, ठीक है, जल्दी से हम याद कर उसको रिकॉल करते हैं, नाम आसमांग के, ठीक है, तो एस यहाँ पे आया है, ये 371A, B, C, D, E, F, तो 371F में क्या है, सिक्किम को लेके इम्पोर्टेंट जो कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन्स है, एन से क्या है नागालैंड, ए से क्या है असम है, एम से क्या है मणिपुर है, ए से आंध्रा है, ए से आंध्रा की यूनिवर्सिटी, एस से सिक्किम है, इस तरह से हम लोगों ने चीज़ों को याद किया था। रथ यात्रा की अगर हम बात करें तो ये हम लोग याद कर चुके हैं, फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा याद कर चुके हैं, कैसे याद किए हैं, फिर हम ये मतलब तीसरी बार हम लोग कर रहे हैं कि छौ खाई या नौ खाई ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा, ये बताएंगे कलिंग के राजा जो रथ पे बैठे हुए हैं। तो छऊ से छऊ, नौ खाई से नौ खाई, कोनाक से कोनाक डांस फेस्टिवल, बाल यात्रा से बाल यात्रा, कलिंग से कलिंग फेस्टिवल, राजा से राजा
परबा फेस्टिवल और रथ से जो आपका रथ यात्रा है, ये सारे आपके कहाँ के? उड़ीसा के। सिंपल ट्रिक से हम लोगों ने याद कर रहा था उसको। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? तो उत्पादन संभावना सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा है। आपके स्टेटमेंट आप पढ़िए। इट गिव्स द कॉम्बिनेशन बिटवीन टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर फुली यूटिलाइज्ड। इट इलस्ट्रेट्स द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ द इकोनॉमी। अभी होता क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझो। पहली बात तो इसका जो कर्व बनता है ये थोड़ा सा इस तरह का बनता है, कॉनकेव शेप्ड। किस तरह से बनता है? कॉनकेव शेप्ड। ये होता क्या उसको समझो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ 11 AM पे, ठीक है? अपन अपना वाला एग्जाम्पल समझते हैं। 11 AM पे क्लास ले रहा हूँ मैं आपकी, 7 PM पे क्लास ले रहा हूँ, और 8 AM पे एक YT शॉर्ट अपलोड होता है ना? बाकी तो और भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, CDS वाली भी क्लास में लेता हूँ सुबह, और भी एयरफोर्स की रिगार्डिंग भी, तो वो सारी वो उसको हटा देते हैं, अभी आपका देखते हैं, ठीक है? तो 11 AM वाली क्लास है, 7 PM वाली, और 8 AM वाली, 8 AM का YT शॉर्ट है। तो अगर आपके यहाँ पे डिमांड आती है कि सर YT शॉर्ट में ना बहुत मज़ा आ रहा है और डालो आप, मतलब और शॉर्ट डालो आप, मतलब YT शॉर्ट्स डालो, तो अब यहाँ पे रिसोर्सेस देखो। अब मेरे पास क्या रिसोर्स है? मेरे पास टाइम एज अ रिसोर्स ही है, ठीक है? रिसोर्स है। अब आप बोलोगे सर ये ज़्यादा डालो। अब मैंने अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रखा है, मैंने कि मैं मेरे पास ज़रा सा भी टाइम नहीं है, या फिर मेरे पास ऐसा सारा, मैं पूरी तरह से मैंने अपने रिसोर्स टाइम को एकदम लगा रखा है, कहीं पे मैं फ्री नहीं हूँ कि कहीं पे भी मैं कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए कर सकूँ। तो अब अगर यहाँ पे मैं एक एक प्रोडक्ट का, चलो इसको प्रोडक्ट मान लेता हूँ इन दोनों क्लासेस को, तो अगर मैं इसका अगर प्रोडक्ट अगर मान लेते हैं कि जो YT शॉर्ट है इसको मैं एज अ प्रोडक्ट डील करता हूँ, तो अगर मुझे इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इनका प्रोडक्शन मुझे कम करना होगा। ये होता है, ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी इट गिव्स द कॉम्बिनेशन बिटवीन टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। कि अगर आप एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का कम होगा, बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, अगर आपने अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रखा है तो। इट इलस्ट्रेट्स द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ द इकोनॉमी, बिल्कुल सी ऑब्वियस सी बात है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ 1 एंड 2। बट ये आप देखिएगा कॉनकेव शेप्ड होता है, और बाकी भी जैसे कि हम लोगों ने याद किया था क्या, डिमांड कर्व आपका, सॉरी ये आपका सप्लाई कर्व होता है आपका। सप्लाई कर्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि पॉजिटिव स्लोपिंग, ये आपका डिमांड कर्व होता है, आपका नेगेटिव स्लोपिंग होता है, राइट? आगे बढ़ते हैं। और बेल कर्व कौन सा होता है? बेल कर्व होता है आपका लैफर्स कर्व, ठीक है? ये होता है आपका लैफर्स कर्व। इकोनॉमी में लैफर्स कर्व ये बोलता है कि आप टैक्स रेट इंक्रीज करोगे, इंक्रीज करोगे तो आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है अभी हमारे 20% 25% इस तरह टैक्स लगा रही, गवर्नमेंट बोले हम 80% टैक्स लगाएंगे, लोग बोलेंगे 80% टैक्स लगाएंगे तो फिर कमाई किस ले रहे हैं, तुम्हारे लिए थोड़ी नहीं कमा रहे, लोग कमाना ही बंद कर देंगे, तो टैक्स कलेक्शन घट जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कमाना ही बंद कर देंगे, फिर वो बचाएंगे किसी ना किसी तरह से, पूरा जोर एडी चोटी का जोर लगाएंगे कि कैसे हम टैक्स ना दें, टैक्स बचाएं, ठीक है? तो आपका टैक्स कलेक्शन तो भी रेवेन्यू कम होने लगे। तो दैट इज लैफर्स कर्व, जो कि बेल शेप का होता है, घंटा शेप का होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली? ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली किसको बोलते हैं? मार्गरेट फॉन्टेन, येलेना एंड्रियोनोवा, एन्ना पवलोवा, या फिर लुइस लाइटफुट? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ, लुई लाइटफुट। इनको ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली बोलते हैं, बिकॉज कथकली को एक तरह से ऑस्ट्रेलिया की थी और कथकली बहुत करती थी, इसलिए इनको ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली बोलते हैं। आई थिंक अभी हम लोगों ने मोहिनी अट्टम किया, कथकली नहीं किया ना, कथकली नहीं किया। तो ये कथकली पे एक्चुअल में अगर देखा जाए तो केरल का ये एक इंडिया का वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांसेस है जो केरल से बिलोंग करता है। जब कोई कथकली के एक्सपोनेंट है फिर इस पे क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे देख लेंगे इस चीज़ को, ठीक है? 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर गंगा इज करेक्ट? गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लो, पढ़ लो आराम से, अपना समय लो, और फिर यहाँ पे मैं गंगा रिवर सिस्टम आपको करवाता हूँ। देखिए, तो गंगा निकलती कहाँ से आपकी? गंगा ये निकलती ऐसे करके निकलती है, ऐसे निकलती है, और ऐसे जाके ऐसे चली जाती है, ठीक है? ये इसका कुछ रूट है। अब गंगा जो है हमारी दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी से बनी हुई है, आपको भी पता है, एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा, एक है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हम लोग कर चुके हैं सब कुछ, प्रयाग हम जो हम लोगों ने किए थे। जो भागीरथी निकलती है वो निकलती है आपकी कहाँ से? गोमो ग्लेशियर से, और अलकनंदा निकलती है सातोपंत ग्लेशियर से, ठीक है? तो अलकनंदा है ये निकलती है सातोपंत से। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा, चलो मैं लिख ही देता हूँ फिर। अब सातोपंत ग्लेशियर और भागीरथी आपकी निकलती है गोमो ग्लेशियर से, तो हम बोल देते हैं
या फिर बद्रीनाथ से निकलती है, ठीक है। तो हम बोल देते हैं कि हाँ जो गंगा का ओरिजिन है वो गौमुख ग्लेशियर से होता है। एक्चुअल में दोनों मिलती कहाँ पे, देवप्रयाग, और यहाँ से नाम पड़ता है गंगा का गंगा, ठीक। अब यहाँ पे इसके हैं ट्रिब्यूटरीज, यानी कि सहायक नदियाँ जो इसको ज्वाइन करती हैं। ट्रिब्यूटरीज दो में बेसिस में क्लासिफाई करते हैं, एक तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं और एक को राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। अब लेफ्ट और राइट कैसे, जो लेफ्ट में ज्वाइन कर रहे हैं उनको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो राइट में ज्वाइन कर रहे हैं उनको राइट बैंक। अब हम कैसे लेफ्ट राइट डिसाइड करेंगे, तो ये गंगा का जो भी रिवर का जो भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो है उसके बेसिस पे। तो अब गंगा का लेफ्ट क्या होगा, ये होगा गंगा का लेफ्ट। तो इस तरह से जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं वो गंगा को ज्वाइन करेंगी, ठीक है। तो सबसे पहली आपकी यहाँ पर आती है, जो नाम आता है दैट इज़ राम गंगा, ठीक है। राम गंगा करके ये रिवर है, ये है आपकी घाघरा, बीच में आप एक गोमती भी कर लो, ठीक है। ये आपके बीच में एक गोमती, फिर है आपकी घाघरा, फिर है आपकी गंडक, और है फिर आपकी लास्ट में कोसी, ठीक। वैसे तो एक और आती है, देन लास्ट में महानंदा, ठीक है, यहाँ पे उसको भी कर लो। ये है आपकी महानंदा, ठीक है। ये है गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, पूरा समझ लीजिएगा। इसके बाद आपका जो भी गंगा से क्वेश्चन आएगा वो आराम से हो जाएगा। राम गंगा की अगर बात करें, यहाँ पे सिर्फ इतना क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ पे मीट करती है, तो इसको ऊपर लिखते हैं इस तरह से, ये कहाँ पे मीट करती है गंगा को, तो ये मीट करती है कन्नौज में, ठीक है। फिर कन्नौज से मुझे क्या याद आता है, कन्नौज से मुझे ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल आता है कि भाई कन्नौज में अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, गुर्जर प्रतिहार, पालाज और राष्ट्रकूटाज के बीच में, ठीक है। तो और कन्नौज कैपिटल बनाई थी किसने, हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने 1400 साल पहले रूल किया था, हर्षवर्धन की हर्षचरित्र बायोग्राफी, और उसको लिखा था बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने कादंबरी भी लिखी थी, हर्षवर्धन रत्नावली लिखी थी, और एक और बुक लिखी थी, उसका नाम आप कमेंट में बताएंगे, ठीक। और यहाँ पर जो गोमती है ये फुलहर झील से निकलती है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसको फुलहर करके भी नाम बोलते हैं, फुलहर लेक से निकलती है ये, और गोमती के तट पर हमारा लखनऊ शहर सिचुएटेड है, और ये मीट करती है गाजीपुर यूपी में। घाघरा की अगर बात करें, तो जो घाघरा है मीट करती है, ये निकलती कहाँ से घाघरा, घाघरा एक ग्लेशियर है, माप चा चून गो, ये ग्लेशियर का नाम है, यहाँ से निकलती है आपकी घाघरा। इसको करनाली नाम से भी जानते हैं, एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है। ट्रांसबाउंड्री रिवर वो होती है जो दो कंट्रीज़ के फिर स्टेट में की बाउंड्री के बीच में फ्लो होती है। घाघरा की अगर हम बात करें तो ये इंडिया और नेपाल की बाउंड्री के बीच में फ्लो होती है, दैट इज़ वाई इसको ट्रांसबाउंड्री रिवर बोलते हैं। इसको करनाली के नाम से जानते हैं, और सरयू इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो घाघरा, और घाघरा घाघरा आपकी मिलती कहाँ पे, घाघरा आपकी मिलती छपरा बिहार में, ठीक है, छपरा बिहार में मिलती है। और घाघरा को हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं करनाली के नाम से, ठीक है, करनाली। और इसकी ट्रिब्यूटरी याद रखिएगा दैट इज सरयू, जिसको हम गोरी गंगा के नाम से जानते हैं, सरयू को हम जानते हैं। प्लीज़ जो नोट्स बना रहे हैं इसको पूरा लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है, गोरी गंगा अपने अच्छे से उसको नोट से बना लेंगे। अब मेरी तो उतनी अच्छी राइटिंग है नहीं, तो नोट्स में थोड़ा सा इस तरह से अच्छे से बना लेंगे। गंडक की बात करें, ठीक है, और क्या और क्या और क्या और क्या, हाँ एक और इसकी है शारदा, ठीक है। शारदा भी ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, उससे हो सकता है क्वेश्चन आपसे बन जाए। तो जो शारदा है ना, ये मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, कौन सा ग्लेशियर है, मिलाम ग्लेशियर से। आगे बढ़ते हैं, गंडक पे आते हैं। जो गंडक है ये मीट करती है हाजीपुर में, ठीक है, कहाँ पे मीट करेगी ये, हाजीपुर में मीट करेगी गंगा को। कोसी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं, राइट, सौरो ऑफ बिहार। ऐसे किसको, सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं किसी रिवर को। तो ये जो है आपकी एक, याद रखिएगा, एंटीसीडेंट रिवर है। अभी एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है, एंटीसीडेंट रिवर में आपको कॉन्सेप्ट समझ लो, इसका मतलब होता है वो रिवर जो हिमालय के बनने से पहले ही फ्लो हो रही हैं और अपने ओरिजिनल रूट को चेंज नहीं करती हैं, तोड़ते हुए हिमालय को निकल जाती हैं। कोसी, सतलज, इसके एग्जाम्पल्स हैं। दो एग्जाम्पल याद रखिएगा अभी के लिए, कोसी और सतलज, ये दो एग्जाम्पल्स हैं आपकी एंटीसीडेंट रिवर। इसका मतलब होता है जो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले ही फ्लो हो रही हैं और वो अपने ओरिजिनल रूट को चेंज नहीं करती हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज लिखवा नहीं रहा हूँ, या तो आप लिख सकते हो, बिकॉज आसान है, अरुण कोसी, सप्त कोसी, नाममयी कोसी है, इसलिए पूछे जाने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं हैं। और लास्ट में हमारी महानंदा है, महानंदा को ये मिलती है आपकी नवाबगंज में, ठीक है, नवाबगंज। अब यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये दो नदियों में बट गई है, और जब एक नदी दो नदियों में बट जाती है तो ये तो आपकी हो गई गंगा, और ये गंगा अब चली जाएगी बांग्लादेश में, जहाँ पे इसका नाम पड़ जाएगा पद्मा,
ठीक है, और ये मिल जाएगी जमुना, जिसका जो कि कोई और रिवर नहीं ब्रह्मपुत्रा है, जिसका ब्रह्मपुत्रा का बांग्लादेश में नाम जमुना पड़ता है, पद्मा जमुना मिलके मेघना बना देती हैं। बट यहाँ पे ये जो आपकी रिवर है इसको हम बोलते हैं हुगली, या फिर इसको हम भागीरथी हुगली भी बोल देते हैं। तो कन्फ्यूज़ मत करना, भागीरथी तो है हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी, बट इसको हुगली को हम भागीरथी हुगली भी बोल देते हैं। और ये फरक्का नामक जगह है आपके वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है वो ज्वाइन कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब निकल रही है वो, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। राइट बैंक मतलब जो इसको राइट साइड से ज्वाइन कर रही है। इसकी एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसको, वो है आपकी यमुना, ठीक है। मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एक्चुअल में ये गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना, जो कहाँ से निकलती है, बहुत ऊपर से, वहीं से आती है, यमुनोत्री बंदरपुंछ रेंज से निकल के आती है ये। इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, क्या है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। चंबल हम लोगों ने पढ़ा था, चंबल किस लिए फेमस है, चंबल बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है। चंबल में रेवाइंस देखने को मिलते हैं, गली इरोजन होता है। चंबल की निकलती कहाँ से, मऊ प्लेटू से, या फिर जो जना पाव की पहाड़ियाँ हैं, जना पाव जो हिल्स हैं वहाँ से निकलती है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक। चंबल की क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबल की अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो काली सिंध है, पार्वती है, ये क्या हैं, चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना के और भी ट्रिब्यूटरी जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन के अलावा आपकी एक इसकी ट्रिब्यूटरी है टॉन्स, ठीक है। यहाँ के एक ट्रिब्यूटरी है टॉन्स करके, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो एक ट्रिब्यूटरी है जो पेनिनसुलर रिवर है। पेनिनसुलर रिवर कौन सी होती हैं, जो पेनिनसुलर इंडिया में ओरिजिनेट होती हैं। यमुना अगर हम देखें हिमालय वाले रीजन, ही सारी की सारी हिमालय वाले रीजन से ही तो निकल रही हैं, कोई नेपाल से या फिर कोई तिब्बत से ऐसे ही तो निकल रही हैं, या फिर कोई इंडिया से, यहीं से निकल रही है नेपाल, हिमालयन वाले रीजन से। सोन ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो पेनिनसुलर इंडिया से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, सोन की अगर हम बात करें, सोन निकलती है आपके अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक पठार, जो कि आपका एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को दिखाता है। नॉर्थ कोयल इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, क्या है, नॉर्थ कोयल इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, और रिहांद भी एक इसकी ट्रिब्यूटरी, जिसपे कि आपका रिहांद डैम भी बना हुआ है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। और गंगा की जो लेंथ है वो 5,000 किलोमीटर नहीं, 2525 किलोमीटर है। ये नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, और नेशनल रिवर ये 2008 में अनाउंस करी गई थी एज अ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। तो घाघरा इज ए ट्रिब्यूटरी कमिंग फ्रॉम पेनिनसुलर अपलैंड्स, बिल्कुल नहीं, सोन है जो एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है पेनिनसुलर अपलैंड्स से आ रही है। यमुना इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स एट गंगा एट अलाहाबाद, बिल्कुल यमुना और गंगा का जो प्रयाग है उसको हम प्रयागराज बोलते हैं, इलाहाबाद में मिलती है। बेतवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम द हिमालयस, चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी हैं, यमुना की हैं, गंगा की नहीं, यमुना की ट्रिब्यूटरी है ये। क्लियर है, तो फोर्थ वाला भी आपका हो गया यहाँ पे गलत। अब यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, बताइए, बिकॉज पूरा हम लोगों ने जो गंगा रिवर सिस्टम है उसको कर लिया है ख़त्म। क्लियर है यहाँ तक सभी को, आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ बाकी प्रयाग यार मैंने कल भी आपको रिवाइज करवाए थे, ठीक है, वो डीवी, पीके और एमआर बस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है कि विच आर्टिकल, क्या क्वेश्चन है सर, कोसी, अच्छा कोसी का नहीं बताया क्या, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, कोसी का मैंने बताना भूल गया यार इसके, सॉरी, बहुत बहुत। यहाँ पे होगा ये आपका कटिहार करके एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कटिहार, और सोन का भी मैंने बताना भूल गया, ये पटना में मिलती है, ठीक है, पटना, सोन पटना में, और ये कटिहार, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। चलो तो कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है कि द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल एज सून एज मे बी चूज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल टू बी अ डिप्टी चेयरमैन देयर ऑफ, एंड सो ऑफन एज द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन बिकम्स वेकेंट द काउंसिल शैल चूज अनदर डिप्टी, क्या क्या लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। रीज़न क्या है, 14 सभी जानते हैं, 14 क्या है, 14 में दो चीज़ें दी हैं, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, इसमें 14 किसकी बात करता है, 14 राइट टू इक्वालिटी तो है ओवरऑल, बट इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये दो चीज़ें हैं। ये है आपका एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट कि किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिले हुए हैं, ये है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ये हमने लिया है ब्रिटेन से, ठीक है, और ये है एक यूएस कॉन्सेप्ट। ब्रिटेन से क्या क्या लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लिए हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, बाइकैमरलिज्म लिया है, प्रोरोगेटिव राइट्स लिए हैं,
सिंगल सिटीजनशिप ली है, यूएसए से क्या लिया है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशल सुप्रीमेसी, ठीक है, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं लिया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। यूएसए ने इम्पीचमेंट लिया प्रेसिडेंट का, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लिया, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस लिया है, और प्रियम्बल लिया है, बट प्रियम्बल की लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से ली है। आंसर यहाँ पे 370 भी नहीं होगा, बिकॉज जे एंड के से डील करता है। आंसर यहाँ पे 89 होगा। सिंपल आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो हमारा पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कल ही मैंने आपको बताया था ना, सारे आपको चैप्टर्स तक लिखवाए थे मैंने आपको, अगर याद हो तो। चैप्टर 1 में हमने देखा था क्या है, चैप्टर 1 बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव की, है ना, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है, जिसमें हमारा आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल आ रहे थे हमारे, ठीक है। ये कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहे थे, ये हमारे जा रहे थे आर्टिकल नंबर 52 से लेके आर्टिकल नंबर 78 तक। फिर चैप्टर 2 में हमारा आ गया था पार्लियामेंट, आ गया था पार्लियामेंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, ये जा रहा था 79 से लेके 122 तक। फिर थर्ड में हमारा सिर्फ एक ही आर्टिकल था जो डील कर रहा था ऑर्डिनेंस से, ठीक है, आर्टिकल नंबर 123 था। फिर फोर्थ चैप्टर में क्या आ गया था, फोर्थ चैप्टर में हमारा आ गया था सुप्रीम कोर्ट, जो आपका आर्टिकल नंबर 124 से 147 तक डील कर रहा था। फिर चैप्टर नंबर 5 में आ गया था हमारा कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो आर्टिकल नंबर 148, जिसके रिगार्डिंग आज हमने 11 वाली क्लास में पढ़ा था कि ये एक सिंगल मेंबर बॉडी होती है, 6 साल 65 साल, यानी 6 साल तक रहेगा मैक्सिमम, या फिर अगर 65 साल की उम्र हो गई तो ही इज़ द हेड ऑफ, ही इज़ द नोन एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट होता है ये, और कंपाइल और मेंटेन करता है स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट होते हैं उनको, और ये गाइड एंड फिलोसोफर होता है किस कमिटी का, ये आप जल्दी से बताइए। तो अच्छा, 377 से आर्टिकल तो नहीं, सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 377 किसकी बात करता है, ये बात करता है एलजीबीटी कम्युनिटी, याद आ रहा है आपको सेक्शन 377, इससे केस रिलेटेड है आपका नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, अभी पिछले से पिछले वाले में जब सेक्शन 377 रिपील हुआ था एलजीबीटी कम्युनिटी, ठीक है, पंचायत देखी, पंचायत सीरीज शायद आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो कैग 148 सिंगल मेंबर बॉडी है, और क्या पूछा था, भूल जाता हूँ यार मैं, क्या पूछा था मैंने कैग में, पहले कैग कौन थे, ये तो नहीं पूछा था, पहले कैग थे वी नरहरी राव, और अभी वी नरहरी राव, और अभी प्रेजेंट टाइम में है कौन, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और गाइड एंड फिलोसोफर, बिल्कुल गाइड एंड फिलोसोफर होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें होते हैं 22 मेंबर, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, सभी कमेटीज़ जो होती हैं हमारी, जितनी भी स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटीज़ होती हैं, मेंबर्स खत्म होता है एक साल का, वो जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड से। और तीसरी सिमिलरिटी क्या थी, तीसरी सिमिलरिटी थी अ मिनिस्टर कैन नॉट बिकम अ मेंबर। सबसे बड़ी कमेटी कौन थी, एस्टिमेट कमेटी थी, 30 मेंबर थे, सारे के सारे लोकसभा से थे, प्राकलन समिति हिंदी में बोलते हैं, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग उसमें 22 मेंबर्स थे, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्पीड ऑफ डैश प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर्स पर सेकंड, प्रिंटर की गति कैरेक्टर प्रति सेकंड में मापी जाती है, किस टाइप ऑफ प्रिंटर की, डॉट मैट्रिक्स, लाइन, इंक जेट या फिर लेजर प्रिंटर। सभी का सही है, विनोद, हाँ कुश प्रकाश बिल्कुल सही रिलेट किए हैं, विनोद जो है हमारा कुछ हरकतें कर रहा था, फिर डीएम मैडम आई थी, है ना, तो उनके जो सेक्रेटरी थे, जो उनके असिस्टेंट थे, उन्होंने क्या बोला था, मैडम जब से सेक्शन 377 हटा है तब से जो है गाँव में इसका असर दिख रहा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अभी जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसमें यूज़ होता है हैमर्स का, हैमर्स और रिबन, खट 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 खट, आवाज़ सुनी होगी आपने, पुराने जो नहीं एक मूवीज़ में दिखाया जाता बहुत ज़्यादा इसको, खट खट खट, और ये कि आज की ताज़ा खबर, फिर एक लड़का सुबह सुबह लेके जाता आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, किसको हो गई जेल, है ना, जो हीरो होता है पुरानी फिल्म में ऐसा ही होता था तो हैमर्स एंड रिबन टू फॉर्म इमेजेस, और जो ये सब होता है तो उसमें यूज़ किया था कैरेक्टर्स पर सेकंड को। लाइन जो प्रिंटर होता है ये ईच लाइन को प्रिंट करता है रादर देन कैरेक्टर, ठीक है, ये कैरेक्टर को, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट नहीं करता है, पूरी की पूरी लाइन को प्रिंट करने का काम करता है। इंक जेट करता है, इंक छिड़क छिड़क के प्रिंट करता है, अगर आपको इमेज लेनी होती ज़्यादा तो आप इंक जेट प्रिंटर खरीदते हैं। लेज़र में पाउडर एक यूज़ होता है, रोल लगता है और उससे के थ्रू इसमें जो है प्रिंटिंग होती है। प्रिंटर क्या है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, बताइए जल्दी से। हु गॉट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1951 अलॉन्ग विथ एडविन मैटिसन, 1951 में एडविन मैटिसन के साथ साथ किसको एक नोबेल प्राइज दिया गया था, लियोन जोहक्स, ग्लेन टी सी बॉक और या फिर जेकब बर्जीलियस को मिला था। चलिए अभी वॉइस आ रही होगी आई थिंक, चलो तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1951 में एडविन मैटिसन के साथ साथ मिला था ग्लेन टी सी बॉक को, ऑप्शन नंबर सेकंड। इनके नाम पे फिर एक केमिकल एलिमेंट भी हमारा सी बॉर्गियम करके,
कौन सा एलिमेंट है ज़रा वो बताइए। इस पे क्वेश्चन रिपीटेडली आता है आपके एग्जाम में। अभी सीजीएल ने पूछा गया था, हम लोगों ने पिछले वाले सीरीज में भी किया था। एक है आपका मेंडलीवियम, ठीक है, मेंडलीवियम, जो कि मेंडलीव जी के ऑनर में उसका नाम रखा गया एलिमेंट का। तो सी वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये आपका 106 नंबर एलिमेंट, और मेंडलीवियम आपका 101 नंबर एलिमेंट। बर्जीलियस की अगर बात करें तो बर्जीलियस वॉज द फर्स्ट टू गिव सिंबल्स। इन्होंने बोला था कि भाई सिंबल किस तरह होने चाहिए केमिकल एलिमेंट के, हम दो लेटर्स का यूज़ करके एक सिंबल बना सकते हैं, बर्जीलियस ने बोला था। ठीक है, उन सिंबल्स का जो यूज़ है सबसे पहले किसने किया था, यूज़ किया था डाल्टन ने, जिन्होंने आपकी एटॉमिक थ्योरी ने परमाणु सिद्धांत भी दिया था। आर्टिकल 243 के ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 243 है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ पंचायत, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत, या फिर इलेक्शन टू दी पंचायत, किससे संबंधित है आर्टिकल 243 के। तो अगर हम पंचायत की बात करें तो इतना चीज़ हमें पता है कि ये इसको अमेंड इसको ऐड किया गया था, यानी इसको मैंडेटरी किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993। पीवी नरसिम्हा राव इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। और पंचायत जो है इसको बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे, बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया था। पार्ट नंबर 9 ऐड हुआ था इससे, और आर्टिकल्स जो ऐड हुए थे आपके दैट वर आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243O। अब हम एक एक करके देखते हैं। वैसे तो कल का जो हमारा 11 AM का टॉपिक रहेगा वो पंचायत ही रहेगा, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़, बट बिकॉज आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर उसका रेफरेंस मत दिया करिए, हमें हर्ट हो जाता है, तुम्हें हर्ट हो जाता है तो कोई नहीं, हमें तुम्हें यहाँ पर पढ़ाएंगे तो पार्ट नंबर 9। अब बाकी अगर आपको पढ़ना है अलग से तो आप कल आ सकते हैं 11 AM वाली क्लास में, ठीक है, आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 9 इसी से मैंने उसको फ्री कर रखा है कि अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी है तो कोर्स में एनरोल करने की जरूरत नहीं, आप फ्री में पढ़ सकते हैं उस चीज़ को। तो पार्ट नंबर 9 पंचायत और पार्ट नंबर 9A म्युनिसिपैलिटीज़, जिसको 74th अमेंडमेंट सेट किया गया। तो चलिए एक एक करके आर्टिकल देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 243A बात करता है कि दो बच्चे हैं मीठी, आर्टिकल 243A बात करता है ग्राम सभा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ए से होता है एक तरह से आप समझो असेंबली, है ना, असेंबली का मतलब क्या होता है, असेंबली का मतलब होता है सभा, है ना, तो ग्राम सभा की बात करता है। ठीक है, 243 हमने क्या बोला, मैंने क्या बोला 243 से लेके 243O तक, तो 243 जो है वो डिफाइन करता है, 243A से स्टार्ट कर रहे हैं तो 243 डिफाइन करता है पंचायत को, 243A ग्राम सभा की बात करता है। याद कैसे रखेंगे, ए से असेंबली, ए से सभा, मतलब ए से असेंबली, असेंबली मतलब सभा। बी बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, मतलब कैसे पंचायत का गठन होगा, यानी कि उसके बनने के बारे में बात करता है, तो बनने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा कि थ्री टीयर पंचायत। यहाँ पे मैं डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, डीप में पढ़ना है कल 11 बजे आइएगा, ठीक है, बस अभी के लिए मतलब इतना याद रखो, आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, बाकी आगे भी हम लोग देखेंगे। थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, एक तो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और विलेज लेवल पे, विलेज इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, और ये वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है जहाँ पे जो 2 मिलियन से पॉपुलेशन अगर कम है तो वहाँ पे इंटरमीडिएटरी लेवल को सेटअप करना मैंडेटरी नहीं है, वहाँ पे 2 टीयर भी चलेगा। वैसे ये आप याद करो, मैंने निट्टो सीरीज में आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। सी, सी से कॉम्पोजिशन की बात करता है, कॉम्पोजिशन किस तरह से होगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें डी, तो डी बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की। याद कैसे रखेंगे, डी से आप याद रखिए दलित, और दलित के यहाँ पे रिजर्वेशन के, वैसे तो रिजर्वेशन सिर्फ दलित्स का नहीं, यानी एससी एसटीज का नहीं, बल्कि यहाँ पे वेमेन के रिजर्वेशन की भी बात कही गई है। तो एससी एसटी का ये बोला गया है कि इनके प्रपोर्शन पे, यानी कि इनका जो प्रपोर्शन है उसके बेसिस पे इनका रिजर्वेशन होगा, और वेमेन का दिया गया है कि 1/3 सीट रिजर्व होंगी ऑल लेवल्स पे, प्लस जो चेयरमैन लेवल पे, सब लेवल पे आपका होगा, ठीक है। और इसमें आपका इलेक्शन की बात कही गई, जैसे कॉम्पोजिशन वगैरह के चलो भी आगे देखेंगे, ठीक है, इलेक्शन वगैरह की यहाँ पे बात कही गई है कि सारी सीट डायरेक्ट इलेक्शन से भरी जाएंगी, और जो चेयरमैन की जो सीट हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से भरी जाएंगी, एक्सेप्ट विलेज लेवल पे, विलेज लेवल पे डायरेक्ट भरी जा सकती है, और इनडायरेक्ट भी वो डिपेंड करता है वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर पे, अपने हिसाब से चुन सकता है। अगेन रिपीट, सभी लेवल पे डायरेक्ट चुनाव होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे पंचायत, ठीक है, सभी लेवल पे एक्सेप्ट चेयरमैन, चेयरमैन लेवल पे इनडायरेक्ट होंगे, ठीक, बट विलेज लेवल में क्या है, डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर पे कि कैसे उसको रखना है। मिनिमम जो एज होती है पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए वो 21 साल होती है, 21, ठीक है, 21 ईयर्स होती है। फिर ई बात करता है ड्यूरेशन, ऐसे याद कर सकते हो आप, ड्यूरेशन यानी कि कार्यकाल की बात करता है ये। ई से आप कैसे याद करोगे इसको, ड्यूरेशन,
चलो अभी मैं कल इसके लिए कुछ बना के लाता हूँ, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है। ड्यूरेशन पंचायत का होता है 5 साल का, ठीक है, 5 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है। और अगर कोई पंचायत अर्ली डिसोल्यूशन हो जाता है उसका, जैसे लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसोल्यूशन होता है ना, तो उस तरह से अगर इसका डिसोल्यूशन हो जाता है बहुत पहले, मतलब 5 साल से पहले, तो वो देखा जाएगा कि अब 6 महीने बाकी थे या नहीं थे, या फिर 6 महीने से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पंचायत को मान लो 2 महीने बाद डिजोल्व होना है, वो आज हो गई, 6 महीने से कम का है ना, उस केस में इलेक्शन करवाना तुरंत मैंडेटरी नहीं है। 6 महीने अगर जैसे ज़्यादा बचे हैं तो इलेक्शन होंगे, नई पंचायत गठन होगा, और वो सिर्फ बचे हुए पीरियड के लिए ही सर्व करेगी, पूरे 5 साल नहीं। जैसे लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है, उसके बाद जो नई लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, पूरे 5 साल के लिए रहती है मैक्सिमम, ये पूरे के लिए रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए रहती है, ठीक है। और एफ से है आपका डिस्क्वालिफिकेशन, इस तरह से याद करो कि एफ से फेल, ठीक है, कि फेल हो गया यानी डिस्क्वालीफाई हो गया वो, ठीक है, कि कौन कौन डिस्क्वालीफाई होगा और कौन कौन डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। और डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगी, कौन अथॉरिटी डिसाइड करेगी, वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी जिसको स्टेट लेजिस्लेचर वहाँ जिसने बोला उसको डिसाइड करेगी। ये चीज़ याद रखना हमेशा कि पंचायत के केस में स्टेट लेजिस्लेचर ही सारी चीज़ डिटरमाइन करता है, वहाँ पर वो स्टेट लेजिस्लेचर की जगह पार्लियामेंट लिख देगा, ठीक है, बट वो सारी चीज़ें स्टेट लेजिस्लेचर ही करता है। जी बात करता है पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत की, तो जी से ऐसे याद करो कि जी से आपने कोई गोली खा ली, और गोली खाते आपको पावर मिल गई, आपको अथॉरिटी मिल गई, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, सब कुछ मिल गया, ठीक है। एच से आपका पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस, तो टैक्स इम्पोज करने का पावर है एच के थ्रू, ठीक है। आप हाउस टैक्स याद कर सकते हो, एच से हाउस टैक्स तो टैक्स की बात करता है कि टैक्स वगैरह ये लगाने का काम भी कर सकता है। 243 I कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, और टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजिशन, आई से आप इनकम, और इनकम मतलब आपका फाइनेंस, फाइनेंस कमीशन की बात करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। आज हम लोगों ने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया देखा, कौन से आर्टिकल में देखा जल्दी बताइए, मतलब 11 है वाली क्लास में। आप से बोलेंगे सर उसका रेफरेंस मत दिया करिए, हमें हर्ट होता है, तो ये रेफरेंस दे के हम सारी चीज़ें तुम्हें बताएंगे ना, तुम चिंता क्या कर रहे हो। जे से बात करता है हमारा ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत, ये ऑडिटिंग की बात करता है। जो के है, के बात करता है आपका, देखो ड्यूरेशन तो नहीं होगा, ठीक है, रिजर्वेशन भी नहीं होगा, ये आपका डी में था। ग्राउंड ऑफ डिसक्वालिफिकेशन और इलेक्शन टू दी पंचायत, ये बात करता है इलेक्शन टू दी पंचायत की, ठीक है। रिजर्वेशन हमने देखा डी में, डिसक्वालिफिकेशन मतलब फेल यानी एफ, एफ में ही है, ठीक है। और ड्यूरेशन हमने देख लिया इसका ई में है। अब यहाँ पे के भी देख लिया, और के तक ही आपको याद करना है, ऐसे LMNO भी हैं आपके 243 से 243 O तक, लेकिन हमें वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, के तक आपका काम बिल्कुल चल जाएगा। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया दिया है आर्टिकल नंबर 280 में, ठीक है। 5 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन, 4 अदर मेंबर। जो चेयरमैन होता है इसको नॉलेज होनी चाहिए पब्लिक अफेयर्स की, ये अपनी रिपोर्ट देता है किसको, प्रेसिडेंट को, जो कि एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती उस पर, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स हैं उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है फाइनेंस कमीशन में फिर से। पिछले फाइनेंस कमीशन हमारा 15th फाइनेंस कमीशन था, और 15th फाइनेंस कमीशन के हमारे चेयरमैन कौन थे, एनके सिंह थे। पिछले वाले के वाई वी रेड्डी थे, अभी तक जो नया वाला 16th था वो बना नहीं है। एज द रिवर एंटर्स इन द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज, जैसे नदी मैदान में प्रवेश करती है वो मटक मटक के चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लवीज बोलते हैं, वो प्लेन्स बोलते हैं, फ्लड प्लेन्स बोलते हैं, या फिर मियांडर्स बोलते हैं, बताइए। सर नोट्स नहीं मिलेगा क्या, नोट्स आप बना सकते हैं खुद से, अगर आपको चाहिए कि नहीं दूसरे के ही हमें चाहिए नोट्स, ठीक है, तो फिर वो है आपके पेड परमार अकेडमी ऐप पे, ठीक है, तो वो पेड है, राइट। बाकी पीपीटी आपको ये फ्री में मिलेगी, सब कुछ परमार एसएससी टेलीग्राम पे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, मियांडर, ठीक है। कल वाला जिसने लेक्चर किया उसके लिए हलवा क्वेश्चन है, तो जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि रिवर ऐसे निकलती है, ये इसका अपर कोर्स, ये मिडिल कोर्स, ये इसका लोअर कोर्स। अपर कोर्स में इरोजनल हमें लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, मिडिल और लोअर में अगर हम बात करें हमें डिपोजिशन लैंड फॉर्म देखने को मिलते हैं। इरोजनल लैंड फॉर्म में अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, हमें वैलीज, वैलीज में भी डिफरेंट टाइप के वी शेप वैलीज, गॉर्जियस कैनियंस, रिवर टेरेसेस हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पे वाटरफॉल, वाटरफॉल, रैपिड्स, सब कल कुछ लिखवाया था मैंने, रैपिड्स, पॉट होल, प्लंजे पूल, सारे जो इरोजनल वाले लैंडफॉर्म है यहाँ पे होंगे। फिर जब रिवर आगे जाएगी तो यहाँ पे इसके जो मिडिल कोर्स है यहाँ पे डिपॉजिट होना चालू होगा, जैसे कि हमारा मियांडर हो गया, फिर मियांडर से ही आपके ऑक्सपो लेक बनते हैं, तो ऑक्सपो लेक आपका मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स दोनों में आपको देखने को मिलता है, राइट। मियांडर में मतलब ऐसे 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 मटक के चलती है, और फिर ऐसे करके एक पॉइंट आता है कि दोनों मिल जाते हैं, और ये पॉइंट ये अलग होकर ऑक्सपो लेक बन जाता है। यहीं पर आपको लेवीज़ भी देखने को मिलते हैं, लेवीज़ और फ्लड प्लेन, तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ना लेवीज़, दीज आर डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, होता क्या है जब बहुत ज़्यादा बारिश
बारिश होती है तो नदी में बाढ़ आ जाती है, जब बाढ़ आती है तो रिवर का जो मुँह है वो चौड़ा हो जाता है, तो जब चौड़ा होता है जब बाढ़ हट जाएगी तो रिवर का मुँह फिर से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर डिपोजिशन हो जाएगा, उस डिपोजिशन को लेवीज़ बोलते हैं। ऑक्सबो लेक आप जानते हैं आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ मेंडर्स। हु इज़, और एक चीज़ और, एक आपके यहाँ पे और बनते हैं, जब रिवर जैसे ही नीचे उतरती है तो यहाँ पे एक डिपॉजिट करती है जिसको हम बोलते हैं एलुवियल फैंस, पंखे का शेप का होता है ये एलुवियल फैंस। रिवर जैसे ही डाउन आती है तो पूरा डिपॉजिट इकट्ठा करती है, एलुवियल फैन उसको बोलते हैं। हु इज़ ऑल्सो नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, विक्रम साराभाई, सी वी रमन, ए पी जे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हम जानते हैं किसको, ए पी जे अब्दुल कलाम जी को। अब ए पी जे अब्दुल कलाम को हम और किस, क्या क्या हम इनसे रिकॉल कर सकते हैं, वैसे रिकॉल तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इनसे प्रेरणा भी ले सकते हैं, बट इनकी बुक्स, सबसे पहली बात तो इनकी ऑटोबायोग्राफी और इनकी जो बाकी बुक्स हैं, इससे हम लोग को याद आना चाहिए कि एक व्हीलर आइलैंड था ऑफ दी इन दी ओडिशा, ठीक है, उसका नाम चेंज करके आपका ए पी जे अब्दुल कलाम पर रखा गया था, जिसका नाम पहले व्हीलर आइलैंड था। और यहाँ पर है आपका इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जहाँ से आपकी जो मिसाइल टेस्टिंग है वो होती है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, जो भी अग्नि हो गई, आकाश हो गई, ये सारी जो जो है आपकी मिसाइल यहाँ से होती है, आपकी मिसाइल टेस्टिंग, ठीक है, जो आपकी सैटेलाइट होती हैं सेंड की जाती हैं, वो सेंड की जाती हैं श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, बट ये जो मिसाइल टेस्टिंग होती है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो ए पी जे अब्दुल कलाम द्वीप पर स्थित है वहाँ से होती है इन दी ओडिशा स्टेट। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है हमारे ए पी जे अब्दुल कलाम जी का विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। और इनके बुक्स का अगर नाम बात की बात करें तो इग्नाइटेड माइंड, इनकी एक काफ़ी फेमस बुक है इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 का इन्होंने विजन रखा था, वो इन्होंने अपनी एक बुक इंडिया 2020 के थ्रू रखा था। फिर इन्होंने की किताब है काफ़ी प्रेरणा देगी आपको किताब अगर आप पढ़ेंगे, ये टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू, ठीक है, टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू। और अगर हम बात करें माई जर्नी, ठीक है, नहीं जर्नी वाली जो किताब है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इंटू रियलिटी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इंटू रियलिटी, क्लियर। और विक्रम सारा भाई से हमें क्या याद आ रहा है, विक्रम सारा भाई से मुझे याद आ रहा है मृणालिनी सारा भाई और मल्लिका सारा भाई, दोनों लोग भरतनाट्यम से, मृणालिनी जी भरतनाट्यम के अलावा कथक कली का डांस करती हैं और मल्लिका सारा भाई जो उनकी बेटी हैं वो भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी का डांस करती हैं। सोनल मान सिंह भी हमारी भरतनाट्यम के साथ ओडिसी करती हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति भी हमारी भरतनाट्यम के साथ कथक कली, सॉरी कुचि कथक कली करती हैं, ठीक है, अब सॉरी कुचिपुड़ी करती हैं, भरतनाट्यम के साथ वो कुचिपुड़ी करती हैं आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति। और क्या याद आना चाहिए, सी वी रमन जी से हमें याद आना चाहिए कि रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज करी थी, और इसी रमन इफेक्ट की जब इन्होंने डिस्कवरी करी थी कब, 28 फेब को, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं किस रूप में ज़रा बताइए, फिर 2 फेब को हम क्या मनाते हैं, और सी वी रमन जी हमारे, इनको पहला नोबेल मिला था अलॉन्ग विथ सी राजगोपालाचारी एंड, और कौन थे तीसरे, तीन लोगों को मिला था, सी राजगोपालाचारी, सी वी रमन और कौन थे, ठीक है, तो इनको ये फर्स्ट नोबेल मिला था इनको। 28 फेब को हम मनाते हैं साइंस डे, नेशनल साइंस डे, विज्ञान दिवस। 2 फेब को हम मनाते हैं आर्द्र भूमि दिवस यानी वेटलैंड्स डे। वेटलैंड्स से हमें याद आना चाहिए रामसार कन्वेंशन, रामसार कन्वेंशन हुआ था 1971 में, रामसार जो जगह पड़ती है ईरान में वहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1 TB/s इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स पर सेकेंड, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, चलिए आई थिंक अभी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी, है ना, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 TB/s में कितने बाइट्स पर सेकंड होते हैं, तो ये आंसर थोड़ा सा यहाँ पे ये पावर में है, ठीक है, ये सारे पावर में लिखे हुए हैं, 2 to the power 40, 2 to the power 10, 2 to the power 20, 2 to the power 30, आंसर होगा यहाँ पे ये 2 to the power 40 बाइट्स पर सेकंड, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता होगी कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो एक बाइट में होते हैं आपके 8 bits, ठीक है, और ये तो पता होगा कि एक जो किलो बाइट होता है उसमें 1024 बाइट्स होते हैं, फिर फर्दर आपका एक मेगाबाइट में आपका 1024 KB होते हैं, फिर एक एक GB में 1024 MB होते हैं आपके, एंड सो ऑन। अच्छा, एक बाइट में निब्बल्स कितने होते हैं, निब्बल्स एक बाइट में कितने निब्बल्स होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय अमिताभ घोष, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है, तो कल भी हमने क्वेश्चन देखा था, अमिताभ घोष जी की बुक्स देखी थी, कौन कौन सी बुक्स देखी थी, सी ऑफ पॉपीज देखी थी हमने, ठीक है, अगर आप रिकॉल करो जल्दी से, सी ऑफ पॉपीज थी हमारी, एक थी द शैडो लाइंस, एक मैंने बुक आपको बताई होगी, एक टाइड करके बताई होगी, द हंग्री टाइड, और मैंने आपको बताई होगी एक रिवर ऑफ
स्मोक, और यहाँ पे आंसर इसका जंगल लामा, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आंसर होगा। 400 डेज अगर बात करें तो ये हमारी चेतन भगत जी की, ठीक है, चेतन भगत। चलो चेतन भगत की बात आई है तो बाकी भी इनके बुक्स देख ही लेते हैं फिर लगे हाथ। चेतन भगत काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं इनकी, ठीक है, जैसे कि 5.1 थिंग्स नॉट टू डू एट IIT। अगर आपको IIT किसी को जाना है तो फिर मतलब अभी तो क्या ही IIT वगैरह, लेकिन अगर आप किसी घर में जाना है तो 5.7 बुक थिंग्स नॉट टू डू एट IIT, ये बुक ज़रूर पढ़ना। और एक बुक है 3 Mistakes of My Life, 3 Mistakes of My Life। फिर इनकी काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं जैसे कि हाफ, आगे इसको फिल करेंगे आप, 2 States है ना, इस पर मूवी भी बनी, गर्ल इन रूम, ठीक है, और वन नाइट एट कॉल सेंटर, ठीक है, और बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा जंगल लामा। बैटल फील्ड बीने की बुक है, बैटल फील्ड बीने की बुक है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ ये किसकी बुक है, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ हुज़ बुक इज़ दिस, बताइए। चलो पहले देख लेते हैं, तो जिस तरह अमिताभ घोष हैं इसी इन्हीं के नाम पे एक है अमित त्रिपाठी जी, ठीक है, उनकी बुक है इमॉर्टल ऑफ मेलुआ, तो त्रिपाठी जी की बुक है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, इन केस अगर आप बहुत ही सीधे साधे बच्चे हैं तो, वो अमंग द फॉलोइंग वॉज अ रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का शासक था, पोरस, पुष्यमित्र, बिंदुसार या फिर अशोक। शुंग वंश का रूलर तो अशोक जी तो हमारे मौर्य से थे, ठीक है, बिंदुसार भी हमारे अशोक के बेटे, मतलब बिंदुसार के बेटे ही थे हमारे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार, उनके बेटे अशोक, ठीक है, तो मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे पुष्यमित्र, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक्चुअली में जो पुष्यमित्र था उसने पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया, कैसे स्टैब्लिश किया, बाई किलिंग लास्ट मौर्यन रूलर, और उस क्या नाम था लास्ट मौर्यन रूलर का बताएगा कोई, लास्ट मौर्यन रूलर कौन थे, ये थे आपके बृहद्रथ, बृहद्रथ इनके बेटे थे, यानी पुष्यमित्र शुंग के सन थे अग्निमित्र। कोई बुक भी है क्या इन पे, रिकॉल करो जल्दी से, क्या कोई बुक है इन पे, और वो किसने लिखी थी, तो इनकी बुक है इन पे बुक है, या फिर ये कालिदास की जो बुक है मालविका अग्निमित्र, उसके ये हीरो हैं, जहाँ पे अग्निमित्र और मालविका ये उनकी क्या जो लव स्टोरी है उसको दिखाया गया है, इसी वजह से शुंगा डायनेस्टी आगे नहीं बढ़ पाई, ठीक है, तो मालविका अग्निमित्र इसी में लगे रहे अग्निमित्र जी। और कौन कौन सी बुक है, कुमार संभवम है, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, और कुमार सम एक रघुवंश, ठीक है, रघु वंश, मेघदूतम, मेघ दूतम, जहाँ पे मेघ को दूत बना के भेजा था, अगेन बेचारे मेघ का यूज़ किया था लव लेटर पहुँचाने के लिए, ऐसा सब कालिदास जी ने बोला था, ठीक है, कालिदास। आगे बढ़ते हैं, विच सिटी विल होस्ट द 2028 समर ओलंपिक गेम्स, कौन सा शहर 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, लॉस एंजलिस, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर म्यूनिक। तो चलिए देख लेते हैं, अगेन मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये पूरे आपके पड़े हुए हैं आपके टेलीग्राम चैनल पे, पूरी PDF पड़ी हुई है, इसको एक बार कर लीजिएगा, बिकॉज अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट पे रिपीटेडली आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो समर ओलंपिक्स 2024 यानी अगला वाला पेरिस फ्रांस में होगा अगले साल, जो 2028 वाला होगा आपका लॉस एंजलिस USA में, 2032 का आपका होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक्स, समर पैरालंपिक्स वहीं पे होंगे, सारे पैरालंपिक्स वहीं पे होते हैं, विंटर ओलंपिक्स 2026 के मिलान एंड कॉर्टिना इटली में होंगे, पैरालंपिक भी सेम जगह ही होते हैं, समर यूथ ओलंपिक 2026 के डकार सेनेगल में होंगे, और 2024 वाले जो होंगे वो विंटर जो यूथ ओलंपिक गेम्स होंगे वो 2024 में गैंगवॉन साउथ कोरिया में होंगे, गैंगवॉन साउथ कोरिया में 2024 में विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स, समर यूथ ओलंपिक गेम्स आपके 2026 में डकार सेनेगल में, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंगम जो हो चुके हैं आपके 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे, एशियन गेम्स 2026 एची नगोया
जापान में, 2030 में दोहा कतर में, 2034 में रियाद सऊदी अरेबिया में। फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात करें 2026 में तीन देशों में होगा, कनाडा, मेक्सिको, यूएसए। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप 2023 में इंडोनेशिया, अंडर 17 पेरू। और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इंडिया चौथी बार इसको होस्ट करेगा। 2027 की अगर बात करें साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। 2031 में इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। एशियन क्रिकेट काउंसिल नॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इसलिए नहीं कि ये मतलब घटिया कंट्री होस्ट कर रहा है, बट उत वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज़ों, बाकी भी पूरे आपके अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट आपको मिल जाएंगे उस PDF में, तो उसको कायदे से देख लीजिएगा। डैश स्पीशीज आर द स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे अकर। यानी ये जो प्रजातियाँ हैं वे प्रजातियाँ हैं जो ज्ञात या संभव क्षेत्रों की खोज के बाद नहीं पाई जाती हैं, तो ये होती हैं आपकी एक्सटिंक्ट, जो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ये हमारी IUCN जो है उसकी रेड लिस्ट जारी करता है। जो IUCN है वो आपकी एक रेड लिस्ट जारी करता है, उसमें डिफरेंट तरह का जो हमारा फ्लोरा एंड फौना होता है। फ्लोरा और फौना क्या होता है? फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है आपका, फ्लोरा मतलब होता है पेड़ पौधे, और फौना का मतलब होता है जो कि आपके जीव जंतु। उनको रेड लिस्ट में रखा है, किसी को वल्नरेबल कैटेगरी में, किसी को एंडेंजर्ड, किसी को क्रिटिकली एंडेंजर, और किसी को बोल दिया वो एक्सटिंक्ट हो गया। IUCN की अगर हम बात करें फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, ठीक है, लिख ही देते हैं, नहीं तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं कि सर इसीलिए नहीं लिख रहे हैं कि नोट्स में लिखा जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है इसका। और ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1948 में, हमारी आज़ादी के एक साल बाद। और इसका जो हेड क्वार्टर है आपका वहीं पे जहाँ पे सबका है, जैसे हमारा जेनेवा है ना, सॉरी ILO, WHO, WTO, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, यहीं पे कहाँ पे किस, यहाँ पे किसका किसका है, ILO का है, WHO का है, WTO का है, इन सब का बना फ्रांस में था, लेकिन हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ते हैं। 24th, विच ऑफ दिस बुक्स इज रिटन बाई शशि थरूर। इनमें से कौन सी किताब शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? अ स्टेट ऑफ फ्रीडम, अ वाई एम हिंदू, ऑटम, या फिर सॉन्ग्स ऑफ क्राउड। तो ये हम लोग क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन तो नहीं लेकिन जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ वहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। दैट इज तो आंसर होगा यहाँ पे वाई आई एम हिंदू, ऑप्शन नंबर सेकेंड आंसर होगा। शशि थरूर जी की और कुछ किताब्स देख लेते हैं, जैसे कि किताब्स देख लेते हैं, नॉट बुक्स, किताब्स, ठीक है। तो किताब्स हैं जैसे कि इसकी क्या क्या किताब्स हैं, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस बुक है, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये PM मोदी जी पे बुक है तो खैर शायद ना पूछे, द ग्रेट इंडियन नॉवल, ठीक है, द ग्रेट इंडियन नॉवल, और जो मैंने बता दी थी ना, हाँ, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, वो अमीश त्रिपाठी आपके, ठीक है, आई थिंक अमित मैंने बोल दिया था गलती से, अमीश त्रिपाठी होंगे ये, ठीक है, अब मुझे याद आ रहा, अमीश त्रिपाठी, ठीक है। और ये क्या था, शुंगा वाला था, यहाँ पे भी सारी चीज़ें हो चुकी थी, ठीक। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और क्या आप नोट कर सकते हो कि हाँ, इसकी कैपिटल क्या थी, कैपिटल मैंने नहीं बताई, भाई मुझे लग रहा था कुछ तो मिस हो रहा है, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र थी। आखिरी क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए, वो है आपके स्क्रीन के सामने ये, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ लैंड कैपिटल एट सारनाथ ऑफ इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ भारत में लैंड कैपिटल का घटक नहीं है? कार्व्ड काउ पेंट रिप्रेजेंटिंग साउथ डायरेक्शन, फिगर्स ऑफ फोर लाइन्स, धर्म चक्रास, या फिर लोटस बेसबॉल। नहीं, पैराडॉक्सिकल PM मनमोहन सिंह नहीं, पनाडा हरीश, मोदी जी की फोटो है, बड़ी बड़ी कवर फोटो है, आप सर्च करना, ठीक है, मोदी जी एकदम कवर पेज में। YM अथीस्ट भगत सिंह, बिल्कुल सही, अथीस्ट जी बोल रहे हैं। ऋषभ सिंह, सर आपका GK कोर्स 999 लूँगा तो उसमें क्या कवर हो जाएगा? सब कुछ, पॉलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, दो लेक्चर और बाकी हैं, इसके बाद बायोलॉजी होगा, ज्योग्राफी, स्टैटिक GK, सब कुछ होगा, बाकी उसमें आपके जो ये इस क्लास के नोट्स भी कवर हो जाएंगे, बाकी वो क्लास 11 AM पे लाइव होती है, फ्री होती है, तो बाकी आप देख लीजिएगा, आई एम नॉट सेइंग कि मैंडेटरी ही है। हेडक्वार्टर इज़ इन ग्लैंड, मतलब किसका, IUCN का, IUCN का हेडक्वार्टर आपका स्विट्जरलैंड, हाँ, अच्छा, सॉरी, आई थिंक मैंने फ्लो में जेनेवा बता दिया, रुकिए, कहाँ पे गया, फ्लो में IUCN का मैंने जेनेवा स्विट्जरलैंड है, तो स्विट्जरलैंड में, बट जेनेवा नहीं, उसका नाम भी जी से है, बट वह ग्लैंड, ठीक है,
वही मैं सोच रही, ग्लैंड ग्लैंड क्या टाइप कर रहा है। अब मुझे याद आया कि मैंने गलती से वो जेनेवा लिख दिया, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड थोड़ा फ्लो फ्लो में निकल जाता है। शुभांकर दत्ता, पॉलिटी के बाद बायोलॉजी बायोलॉजी कर लेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद ज्योग्राफी करेंगे, चिंता ना करिए। थोड़ा एक साइंस का सब्जेक्ट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। सॉरी स्पीकर सर, सॉरी। हाँ सूरज, बिल्कुल, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे एक और करेक्शन है आई थिंक, एंड करेक्शन कुछ, ये मैंने नोबेल बोल दिया, सॉरी। फर्स्ट नोबेल तो यार उनको मिला था, अभी हम लोगों ने देखा था, या भारत रत्न और नोबेल, मुझे हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है। भारत रत्न की जगह नोबेल कर देता हूँ, नोबेल की जगह भारत रत्न कर देता हूँ, तो यहाँ पे भारत रत्न होगा, ठीक है? सॉरी, और कुछ, अंबेडकर अलाइफ, शशि थरूर जी की बुक है, हाँ इसको भी आप ऐड कर सकते हो, अम्बेडकर अलाइफ, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। इस तरह के कमेंट किया करो तो अच्छा लगता है, ठीक है? और कुछ किसी को ऐड करना है? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की है, वो है मनमोहन सिंह पे, बिल्कुल, ठीक है? अब बायो का कितना क्लास लीजिएगा मुझे खुद नहीं पता है आनंद सिंह, अगर मैं बोलूँ, ठीक है? अब हम लोग का 13 12 था ना, 14 लेक्चर में पॉलिटी ख़त्म हो गया, तो बायोलॉजी भी 15 के अंदर ही तो फॉर श्योर ख़त्म ही हो जाने वाली है, ठीक है? 15 के अंदर ही। हाँ तन्वी, CPO के लिए पार्ट टू इनफ है, बिल्कुल इनफ है, बस आप उसका मल्टीपल रिविजन करो, इनफ है वो, ठीक है? सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी, बस ये ध्यान बस एक चीज़ का रखना है, दैट इज़ कि रिविजन करते रहना, रिविजन, भले आगे मत बढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम आके लाइव क्लास में ही आओ, ठीक है? जैसे आपको अच्छा लगता है, जो फॉर्म ऑफ स्टडी अच्छा आपको लगता है, लाइव अच्छा लगता है, रिकॉर्डेड रिविजन आप करते रहें, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिविजन आपको करना ही करना है, भले आप एक कदम आगे ना बढ़ें, लेकिन रिविजन आप करते हुए चीज़ें को आगे बढ़ें, ठीक है? बिकॉज मुझे चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम दे के आएँ तब मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलें, रादर दैन कि अभी आप अच्छा अच्छा बोलें। एग्ज़ाम दे के आएंगे तो मुझे अच्छी खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने किसी का, ठीक है, किसी के लिए कुछ अच्छा किया, ठीक है? तो आपको भी खुशी होगी और मुझे भी खुशी होगी कलेक्टिवली, राइट? तो रिविजन करते रहें, उससे बहुत अच्छा होगा। सर ये कौन से रूट ट्रीज़ हैं जिनकी रूट्स अबव द ग्राउंड आते हैं? उनको हम यूजुअली मैंग्रोव फॉरेस्ट में होते हैं, बट यहाँ पे मेघालय में हमें देखने को मिलते हैं बहुत बहुत जो बड़े पेड़ होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि जो वहाँ की हिल्स होती हैं वो एक तरह से ब्रिज के रूप में बन जाते हैं, ठीक है? तो उनको वो बोलते हैं, ठीक है? आदित्य राज रिविजन इज मस्ट। मेरा भी एक दोस्त आदित्य राज, पता नहीं कहाँ हुआ वो। दो थे, एक तो स्कूल डेज में था और एक प्रिपरेशन के टाइम पे था, दिल्ली में बिछड़ गए हम लोग, और उसके बाद मोबाइल नंबर नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। चलिए भाई, थैंक यू। बाकी PDF मिल जाएगी, और ओनली 90 लाइक्स, लाइक्स से फ़र्क नहीं पड़ता साहब।